नाज़रीन, आज सवालात बहुत सारे थे तो उस सिलसिले में आज टॉपिक लेके आए जीवन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन के बारे में पूछ रहे हैं जी क्या है और वाकई इसका कोई मतलब इसकी कोई फ्यूचर है और क्या ये गुब्बारा बुलबुला तो साबुत नहीं होगा कि फ्यूचर के अंदर जाके। तो एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये लसन जो है वो ठीक है, और डॉक्टर हुमायूं साहब जो हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल, उन्होंने ये नई वैरायटी डेवलप की है। तो ऐसे ऐसे शुरू हुई तो उस वक्त गवर्नमेंट वो खुद दे रही थी 500 रुपये का केजी, और अब वो क्योंकि इन्वेस्टर के हाथों में आ गया है तो क्योंकि अब सीड मल्टीप्लाई इसका हो रहा है इसलिए इसकी जो है ना प्राइसेस बड़ी हाई है, क्योंकि ये मार्केट में अभी नहीं आया। तो तकरीबन कुछ सर्वे के मुताबिक कि ये है कि 2021 के अंदर तकरीबन कोई 1500 एकड़ के ऊपर इसकी काश्त की गई है। तो उससे क्योंकि मौसमी हालात कुछ ठीक नहीं रहे, जैसा कि आपको पता है कि अवाइल में ही मार्च गर्मियों के शुरू में ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इसकी पैदावार कम आई है। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं उन कैलकुलेशंस को देख के चल सकें कि क्या इसकी काश्त करनी चाहिए या फिर इसका इंतज़ार करना चाहिए कि ये सीड जो है ना आम हो जाए। तो कुछ 1500 एकड़ पे इसकी काश्त हुई है 2021 में, और 2022 में इसको हार्वेस्ट किया गया है। तो वो तकरीबन जितनी भी हम पैदावार इसकी अगर मिनिमम जो है ना वो 150 मन तक भी लगाए तो इस 2000 उस पैदावार के साथ में जितना भी सीड प्रोड्यूस हुआ है ना वो सारे का सारा सीड के तौर पे लग रहा है, इसको किसी ने खाना नहीं है तो और वो ज़ाया भी नहीं होगा। और इसके साथ अगर हम अगली काश्त करें 2022 के अंदर, वो तकरीबन इसके साथ हम कोई 22,000 एकड़ के ऊपर इसके साथ काश्त हो सकती है। ठीक है, अब 22,000 एकड़ के ऊपर काश्त हो जाएगी 2022 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो इसकी पैदावार आएगी वो भी हम 150 मन लगाते हैं मिनिमम जो है ना। तो उसके बाद 2023 के अंदर जो काश्त होगी वो चली जाएगी 84,000 एकड़ के ऊपर। अब वो 84,000 एकड़ के ऊपर जब 2023 के अंदर काश्त होगी तो वो काश्त जब फिर अगर 2000 उससे जो पैदावार आएगी उसको फिर आगे काश्त किया जाएगा तो 2024 जो है ना वो आप देखेंगे ये 6 लाख एकड़ तक चली जाएगी। अब तो आप देखेंगे जैसे ही ये 50,000 ऊपर से ज़्यादा इसकी काश्त होगी इसका रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेट है तो बहुत अच्छी फसल है, इसको फार्मर जो है ना वो उसको बूस्ट देगा, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं जो करोड़ों के ख्वाब देख रहे हैं वो शायद 2023-24 के अंदर जो है ना वो जाके थोड़े से उनके ख्वाब वो पूरे ना हो सकें, क्योंकि जब सीड हज़ारों से लाखों एकड़ पे चला जाएगा तो फिर इसकी जो है ना डिमांड जो है ना वो उस तरह नहीं रहेगी और उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, और क्योंकि इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा आती है कि अगर फार्मर भी इसको 1 एकड़ पे लगाएगा वो भी 4-5 लाख रुपए आसानी से कमा सकेगा। इसका फ्यूचर भी है, सारा कुछ है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की जो लहसुन की रिक्वायरमेंट है वो बेस करती है चाइना थाईलैंड के ऊपर। तो हम अपनी ज़रूरत का जो लहसुन है वो 50-60% जो है ना वो इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर हम उसके पैरेलल मार्केट में जब G1 आ जाएगा तो वो फिर अगर वो 50 रुपये भी किलो बिकेगा फिर भी फार्मर को 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपया जो है उसका प्रॉफिट आएगा। तो अगर वो 50 रुपये बेच के ये है तो उसके पैरेलल चाइना का 150 का 200 का किलो कौन लेगा, कोई भी नहीं इसको खरीदेगा। तो इसने अपनी मार्केट बना लेनी है और इसने होना कामयाब, इसने होना ही होना है। इसलिए इस बारे में कोई बंदा आप बेफिक्र आप रहें कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप इस ये कामयाब नहीं होगा, इसने कामयाब होना है, लेकिन लगाएं सोच के साथ समझ के साथ। मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक्सपेक्ट की जा रही थी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी क्रॉप, लेकिन जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है मार्च के अंदर और पैदावार जो है ना वो काफ़ी सिकुड़ गई है, वो जो 300, 350, 400 मन से। लेकिन इसलिए जो हमने हमने कैलकुलेशंस भी किए हैं स्क्रीन के ऊपर भी आपके पास आ जाएंगी, तो कैलकुलेशन भी हम मिनिमम जो है ना वो 150 मन पर एकड़ के हिसाब से किए हैं। इसको भी कम कर लें चले जी, हम इसको कहें अगर 100 मन की पैदावार आ जाए तो फिर इसका 1 साल और लग जाएगा, लेकिन जिन्होंने लगाना है तो वो ये सारी कैलकुलेशन जो है ना वो मद्देनजर रख के लगाएं। अल्लाह ताला आपके माल में जान में हर चीज़ में बरकत दे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।